चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड करो, 2017 में आया हुआ है नीट में। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एक्सकलेटर वॉज नॉट वर्किंग। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एक्सकलेटर इन टाइम T1। ऑन अदर डे इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सकलेटर देन द एक्सकलेटर टेक्स अप इन टाइम T2। द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन अ मूविंग एक्सकलेटर विल बी। देखो जनरली हम लोग मॉल जाते हैं तो मॉल में क्या होता है, मॉल में एक मूविंग एक्सेलेटर होता है, वो लगातार मूव करता रहता है, ठीक है ना, याद है ना, ठीक है, मूविंग एक्सेलेटर होता है, वो लगातार मूव करता रहता है। अगर वो एक्सेलेटर रुक जाए तो आपको उस फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर या थर्ड फ्लोर जाना है कहीं पे भी, तो आप उस रुके हुए एक्सेलेटर पे चलते हो, चलते हुए ऊपर जाते हो। तो जब ये रुके हुए एक्सेलेटर पे वो प्रीति अगर मूव कर रही है तो उसका टाइम टी लग रहा है, ये पॉइंट याद रखना है। जैसे ये एक्सेलेटर है, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है वो एच है, वर्टिकल डिस्टेंस, करेक्ट है। तो इस डिस्टेंस को जब वो चल के जा रही है, ठीक है, तो टाइम लग रहा है T1, फर्स्ट केस, केस नंबर वन, ठीक है, चलते हुए वो जा रही है स्टेयर्स पे, एस्केलेटर पे चलते हुए जा रही है, केस वन। तो उसमें जो वेलोसिटी होगी V1 इज इक्वल टू होगा, कितना होगा, V1 इज इक्वल टू डिस्टेंस h अपॉन T1, ये टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये एक्सेलेटर, अब देखो ये एक्सेलेटर मूव कर रहा है, दूसरे दिन में क्या हुआ, ये एक्सेलेटर मूव कर रहा था। ऑन द अदर डे शी रिमेन स्टेशनरी, ये एक्सेलेटर पे रुकी हुई है, एक्सेलेटर चल रहा है, ठीक है, तो उसमें टाइम लग रहा है T2, करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू एच अपॉन T2, ये होगा। थर्ड केस में क्या हो रहा है, इस एक्सेलेटर पे वो चल भी रही है और एक्सेलेटर भी मूव कर रहा है, दोनों हो रहा है, ये एक्सेलेटर मूव भी कर रहा है और ये चल भी रही है, दोनों हो रहा है, दोनों केसेस हैं। तब क्या होगा, ध्यान से सुनना, अब देखो यहां पर क्या होगा, तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, यहां पर वेलोसिटी है इसके चलने की V1, इसकी वेलोसिटी है V2, एक्सेलेरेटर की वेलोसिटी V2, तो अब टोटल वेलोसिटी ऐड होनी है, इक्वल टू एच अपॉन टी, ये टाइम लगेगा। तीनों केसेस समझ में आ गया, करेक्ट है। तो अब जरा देखो ये वैल्यू यहां रखो, V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, दोनों वैल्यू यहां रखो, मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। V1 प्लस V2 इज इक्वल टू एच बाई टी, V1 की वैल्यू एच बाई T1 प्लस V2 की वैल्यू एच बाई T2 इज इक्वल टू एच बाई टी, एच कॉमन लेके कट जाएगा, 1/T1 प्लस 1/T2 इज इक्वल टू 1/T। और इसको अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लूं, इसको एलसीएम ले लें, T2 प्लस T1 इज इक्वल टू 1/T। अच्छा अब इसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। इस फॉर्मूले को देखो जरा, ये आ गया, ये ऑप्शन है ना, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।